नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। 97 21 41 13 85 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे सुपरटेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी एसडीआई आदि के नोट्स प्राप्त करके यूपी कांस्टेबल आदि के आप अपनी तैयारियों को अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं, क्योंकि यह मैटर आप लोगों के लिए सफलता के नवीनतम झंडे गाड़ने वाला मैटर है। 2021 टीजीटी में, 2021 टेट में, सी टेट में जिस तरीके का परफॉर्मेंस हमारे स्टडी मटेरियल का सभी विषयों में रहा है, उसके माध्यम से हम आपको इस बात की गारंटी देते हैं कि 85% तक के क्वेश्चन आपको हमारे स्टडी मटेरियल से मिल जाएंगे, चाहे वो लोक सेवा आयोग की भर्ती हो, चाहे यूपीएसई एसएसबी की हो अर्थात उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का, चाहे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती हो, इन सभी मटेरियल को आप प्राप्त करके अपनी तैयारी को और अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। देखिए, न रहो न निराश करो मन को। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर सके तो शेयर भी कर दिया करें, ठीक है। सबसे अहम बात, अब आपके सम्मुख जो विज्ञापन आने चल रहा है वह विज्ञापन होगा आपका टीजीटी पीजीटी का। यह पहला ऐसा विज्ञापन है जो आपके सम्मुख जो है मतलब जारी होने चल रहा है, और अब इसमें तदर्थों के पद को भी जोड़ा जाएगा, क्योंकि 3 अप्रैल को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अपना सप्लीमेंट्री एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने चल रहा है। तो जाहिर सी बात है उसमें तदर्थों के पदों को लेकर के भी जिक्र होगा। वो बताएंगे कि तदर्थों के पद आखिर कहाँ गए, जो 34,390 बाहर किए गए थे उन तदर्थों का क्या हुआ। ये सारा डिक्लेरेशन जो है वो करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो जाहिर सी बात है आपका विज्ञापन, एक बड़ा विज्ञापन आपको देखने के लिए मिलने वाला है, और ये प्रक्रिया जाहिर सी बात है कि बहुत कम समय में इसको कंप्लीट किया जाएगा। हमने तो आपसे जो है दिसंबर 2022 तक बोला था, लेकिन जो सूचना प्राप्त हो रही है कि अगस्त तक ये भर्ती फाइनल कर दी जाएगी। अगस्त, अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ा स्ट्रीम हो जाएगा ये। मैं अगस्त ना मान करके बल्कि सितंबर और अक्टूबर भी मान ले रहा हूं, है ना। तो ये चीजें जो है स्पष्ट होकर के आ रही है, ये चीजें शासन स्तर पर भी चल रही है, क्योंकि शासन स्तर पर जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं अब तो सारी चीजें डिक्लेयर हो जाती है। शासन स्तर से भी जो खबरें आ रही है कि आपका विज्ञापन जो है वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पूरी तरीके से बना चुका है और बहुत जल्दी इसको जारी कर देगा। इसके बाद बात करते हैं आपके टेट के रिजल्ट को लेकर के, क्योंकि टेट का रिजल्ट आएगा तभी आपका सुपर टेट का विज्ञापन आएगा भैया, और का है ना। सुपर टेट का विज्ञापन तभी आएगा जब आपका टेट का रिजल्ट आएगा, और मंत्रियों के विभागों का बंटवारा होने के बाद जो 6800 की लिस्ट लटकी हुए हाई कोर्ट में उसका भी क्लियरेंस हो जाएगा, नए महाधिवक्ता मनोनीत किए जाएंगे, फिर जो चीजें चल रही हैं सरकार के खिलाफ कोर्ट आदि में उन सारी चीजों का जवाब दिया जाएगा, तभी आपका जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का जो मतलब केस चल रहा है ना टीजीटी पीजीटी 2016-2021 को लेकर के, ये भी चीजें डिक्लेयर होंगी। तो जाहिर सी बात है मतलब अब सारी चीजें स्पष्ट होती चल रही हैं और बहुत जल्दी ही आपको पॉजिटिव परिणाम देखने के लिए मिलेगा। देखिए, निराशा के वातावरण में पढ़ करके सिर्फ और सिर्फ आप अपना ही नुकसान करेंगे। कुछ लोग ये बोलते हैं कि आप तो जो मतलब क्वालिफाई हो चुके हैं, आप सर्विस में हैं, आप बेरोजगार नहीं है, इसलिए जो है मतलब ऐसी सारी चीजें हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, हमने भी स्ट्रांग स्ट्रगल किया है लगभग 11 साल तक, ठीक है ना। 11 साल तक मैंने स्ट्रांग स्ट्रगल किया है, और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि हम अपने दम पे अपनी ताकत पे नौकरी पाना चाहते थे और उसमें सफल भी हुए हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आप अपने विल पावर को पहचानिए। अगर अपना विल पावर मजबूत होगा, मेंटेन होगा और हाई होगा, तो जाहिर सी बात है आप पर्वत खोद डालोगे।
लेकिन अगर अपना विल पावर कमजोर पड़ता है तो कहते नहीं, एक छोटा सा मच्छर होता है वो भी कान में गुनगुना करके, आप जागते रहते हो, देखते रहते हो, आंख में फट पे आकर के अपना डंक गड़ा के चला जाता है ना। तो यही सारी चीजें हैं। तो आपको भी अपना विल पावर हाई रखना है। जब तक आप उसको हाई नहीं रखोगे ना, तब तक दिक्कतें आपको आती रहेंगी, समस्याएं जो मतलब आपको फेस होती ही रहेंगी। एल्टीग्रेट जैसी प्रवक्ता के विज्ञापन को लेकर के भी आज लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय से मुलाकात करने का प्रोग्राम बनाया गया है, और हमारा पैनल वो लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय के सम्मुख जाएगा और उनसे सारी बातें स्पष्ट करने का प्रयत्न करेगा कि ये विज्ञापन कब तक जारी हो सकता है, क्योंकि एनआईसी इनके सिर्फ और सिर्फ आदेश का इंतजार कर रही है। एनआईसी ने इनको टाइम स्लॉट जो दिया है, देखना ये दिलचस्प होगा कि उस टाइम स्लॉट के भीतर क्या ये विज्ञापन आता है कि उसके आगे बढ़ाया जाता है। वैसे हम लोगों का प्रयास या हम लोगों का प्रयत्न यही है कि जिस टाइम स्लॉट में आवेदन करने के लिए एनआईसी ने मंजूरी दी है, अप्रैल का प्रथम सप्ताह दिया है, उसी टाइम स्लॉट में आपके ये सारे विज्ञापन जारी हो जाए, ठीक है ना। और आवेदन यदि आपके हो जाए तो जाहिर सी बात है आप लोगों का भी मन थोड़ा सा हल्का होगा। टेट का रिजल्ट के लिए शासन की अनुमति का लिखित आदेश आज या कल में जो है मतलब प्राप्त होने वाला है। मीडिया रिसोर्सेस के माध्यम से जो खबरें आती थी कि टेट का रिजल्ट एक दो दिन में जारी कर दिया जाएगा, ऐसी चीजें हैं। मैंने इस बात को एससीईआरटी से पता करने का प्रयत्न किया था और शासन स्तर पे भी पता करने का प्रयत्न किया था, तो वहां से जो बातें निकल करके आई हैं वो अस्पष्ट हैं, वो सारी चीजें अस्पष्ट हैं कि मुख्यमंत्री महोदय ने जो है विभागों में जो बेसिक शिक्षा विभाग है उसमें जो रिक्त पद है उन सभी पदों का ब्यौरा मांगा है, क्योंकि टेट के रिजल्ट के बाद तत्काल आपका विज्ञापन जारी होना है सुपर टेट का। तो सारी चीजें डिक्लेयर होंगी, सारी चीजें क्लियर होंगी। क्लियर होने के बाद आपका जो टेट का रिजल्ट है वो 2 तारीख के बाद, 2 तारीख के बाद जो है मतलब जारी होने की संभावना दिख रही है। हालांकि अधिकारी इस बात से लेकर के आश्वान्वित हैं कि हो सकता है कि मतलब उसके पहले ही मंजूरी अगर मिल जाती है तो हम इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे, लेकिन ज्यादातर तो जो उम्मीद दिख रही है वो 2 तारीख के बाद की दिख रही है ना। 2 अप्रैल के बाद की टेट के रिजल्ट आने की बात सामने आ रही है। मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा उसके पहले आ जाए ताकि विज्ञापन आपका जारी हो जाए, है ना। और जब मतलब आपको अप्रैल प्रथम वीक में सुपर टेट का भी विज्ञापन देखने के लिए मिल जाए। आज लोक सेवा आयोग में आपके ज्वाइनिंग संबंधी मुद्दे को, वेटिंग लिस्ट आदि के मुद्दे को, अर्हता समकक्ष संबंधी मुद्दे को, एज रिलैक्सेशन संबंधी मुद्दे को पूरी तरीके से डिस्कस किया जाएगा और प्रयास किया जाएगा अध्यक्ष या सचिव महोदय से लिखित आश्वासन प्राप्त करने का कि जो चीजें जो बातें हो उसका जो है लिखित में प्रमाण हो, है ना। ये सारी चीजें अस्पष्ट हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, इसलिए क्योंकि इससे तमाम जो है छात्रों का, तमाम विद्यार्थियों का हित जुड़ा हुआ है, इसलिए सारी चीजें वो डिक्लेयर हो तो ज्यादा बेहतर है। और डिक्लेयर होनी भी चाहिए क्योंकि अब तो नई सरकार का गठन हो चुका है, तो नई सरकार का गठन होने के बाद आखिर सरकार में बात करें भी तो किससे करें, क्यों? क्योंकि अभी जो है मतलब विभागों का बंटवारा हुआ नहीं। जब विभागों का बंटवारा हो जाएगा, एक पर्टिकुलर व्यक्ति उस कुर्सी पर बैठ जाएगा, तब उसके सम्मुख जो है सारी चीजें, सारी मांगे रखने में मजा आता है, और वो कार्यदायी व्यक्ति है तो जाहिर सी बात है वो बातें सुनेगा भी। अभी तो केवल मुख्यमंत्री महोदय हैं, उप मुख्यमंत्री महोदय हैं, उन्हीं के सम्मुख ज्ञापन आदि प्रस्तुत किए जाते हैं विधायकों के माध्यम से, मंत्री महोदया के माध्यम से। तो ये सारी चीजें जो है वो डिक्लेयर होती है। एक दो दिन में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा जहां तक है वो संभव है, और जैसे ही विभागों का बंटवारा होता है जो रुकी हुई फाइलें हैं, जो रुके हुए मैटर हैं, जो रुके हुई प्रक्रियाएं हैं वो तत्काल प्रभाव से स्टार्ट होंगी और बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगी। यूपी कांस्टेबल का भी जो आपका विज्ञापन है वो पुलिस प्रोन्नति बोर्ड से कन्फर्म कर लिया गया है, अप्रैल माह के साप्ताहिक क्लोजिंग में मतलब 6 से लेकर के 10 तारीख के बीच में पुलिस प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आपको जो है विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा और आप आवेदन कर पाएंगे। उसके साथ ही साथ आपको जो है मतलब तमाम विभागों से भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें आपको यूपी ट्रिपल एससी भी शामिल है,
और सूचनाएं प्राप्त तो हो रही है कि लोअर सबॉर्डिनेट की जो भर्ती परीक्षाएं जो मतलब डिले हो रही थी, मतलब आवेदन आदि डिले हो रहा था, विज्ञापन उसका डिले हो रहा था, लोक सेवा आयोग और जो UP SSSC में 36 का आंकड़ा हो गया है। मतलब लोक सेवा आयोग कह रहा है कि आप उसको कराइए और UP SSSC कह रहा है कि आप लोअर सबॉर्डिनेट भर्ती आप कराइए। तो देखते हैं कि कशमकश की स्थितियों में किसके पाले में गेंद आती है, और ये गेंद मतलब जो है शासन के पाले में डाली जाएगी, हमें पहले से ही पता है इस बात को। और बहुत जल्दी ही इंटीग्रेट कला विद्यार्थियों की ज्वाइनिंग संबंधी मुद्दा भी सॉल्व होने वाला है, जहां तक उम्मीद की जा रही है कि श्री ब्रजेश पाठक जी माध्यमिक शिक्षा मंत्री बनेंगे। और यदि ऐसा होता है तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि Within 2 days में इस मुद्दे को क्लोज करा दिया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अब चाहे आर या तो पार, ये वाली स्थिति लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसी की वजह से विज्ञापन आपका डिले हो रहा है। जो मुद्दा है ये यही मुद्दा है कला विद्यार्थियों की ज्वाइनिंग का, ये मुद्दा सेट आउट होते ही विज्ञापन तत्काल आ जाएगा, क्योंकि ये जो बातें निकल करके आ रही है यही बातें हमको करनी है। अब आगे आपसे बात कर लेते हैं कि सबसे बड़ी चीज ये है कि अब डिग्री कॉलेजों में जो नेट आदि का जो पूरी तरीके से अनिवार्यता थी उसे समाप्त कर दिया गया है, और एक सामान्य विद्यार्थी भी अब उसमें जो अगर नेट नहीं क्वालिफाई है वो भी आवेदन आदि कर सकेगा और डिग्री कॉलेजों में वो टीचर बन सकता है ना। तो ये सारी चीजें सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं, ये आप लोगों के लिए बेहतरीन अवसर के रूप में सामने आएगा। और आगामी समय में जो 100 दिन का रोड मैप गवर्नमेंट ने तैयार किया है उसके माध्यम से आपको भर्ती परीक्षाओं का एक अंबार देखने के लिए मिलने वाला है। तो जो भी भाई बहन तैयारी करना चाहे वो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ करके अपने स्टडी मटेरियल आदि को प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बनाए। और सबसे बड़ी चीज ये है, मन को टूटने मत दीजिए, मन को निराश मत होने दीजिए। आउट ऑफ टाइम स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही विद्यार्थी ज्यादा सफल होते हैं जो आउट ऑफ टाइम स्टडी करते हैं। विज्ञापन आने के बाद तो हर जो है मतलब लोग गंगा में बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं, है ना। लेकिन जो विद्यार्थी आउट ऑफ टाइम से जो है मतलब गोता लगा रहे हैं वो जाहिर सी बात है गहराई भी माप लेते हैं और उनको तैरने का जो है अनुभव भी हो जाता है ना। तो आप लोग भी अपनी तैयारियों को मजबूत बनाइए, पढ़ाई करते रहिए और विज्ञापन के लिए बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाइए। विज्ञापन बहुत जल्दी आपका जारी होने वाला है। आज UGC नेट का जो आर्डर है मतलब जो उनका जवाब है वो लोक सेवा आयोग को रिसीव हो जाएगा, और उसके बाद आज हमारा पैनल अध्यक्ष महोदय से मुलाकात करेगा, और जो बातें अस्पष्ट होंगी उन बातों को स्पष्ट करने के बाद जो भी जानकारियां निकल करके आएंगी वो जानकारियां आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दी जाएंगी। जो भी भाई बहन हमसे ये रिक्वेस्ट करके बोलते हैं कि यदि आपको बात नहीं करनी रहती तो आप नंबर क्यों देते हो, सबसे बड़ी चीज ये है कि हम हर समय आपसे बात नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर आप ये सोचते हो कि हम आपसे स्कूल टाइम में भी बात कर लें, हम आपसे एकेडमी टाइम में भी बात कर लें, हमारे यहाँ भी बहुत सारे हजारों विद्यार्थी पढ़ते हैं, TGT PGT के लिए भी पढ़ रहे हैं, UGC के लिए भी पढ़ रहे हैं, UP कांस्टेबल के लिए भी पढ़ रहे हैं, LT ग्रेड GIC के लिए भी पढ़ रहे हैं, सुपर टेट के लिए भी पढ़ रहे हैं। तो उनको भी पढ़ाना, उनका भी मार्गदर्शन करना हमारा दायित्व तो बनता है। तो इसलिए आप मैसेज करेंगे, मैसेज का रिप्लाई आपको मिल जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं। बहुत ज्यादा जरूरी है इसलिए हमने आपको 2 घंटे का टाइमलाइन दे दिया है, 3 घंटे का, कि आप शाम को 5 बजे से लेकर के रात्रि के 8 बजे तक व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो चीजें हैं कि मतलब भाई बहन लोग बोलते हैं कि आपका नंबर कभी ऑन ही नहीं होता, नंबर ऑन कर देंगे तो कभी हम कोई अपना कार्य ही नहीं कर पाएंगे, इतने सारे फोन कॉल्स आते हैं उस पर कि मतलब नंबर ऑन करने के बाद मुसीबत हो जाती है। और यदि किसी का फोन ना रिसीव करो तो उसका भी मुंह फूल करके जो गुब्बारा हो जाता है कि सर ने मेरा फोन ही नहीं रिसीव किया। तो इसीलिए नंबर को बंद रखा जाता है, लेकिन व्हाट्सएप हमारा जो 24 घंटे चलता रहता है। आपका मैसेज जो भी आएगा उसका रिप्लाई आपको Within 2 आवर्स 2 घंटे के भीतर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे, यह चैनल आपकी समस्याओं के समाधान के लिए और आपके आवाज को शासन प्रशासन तक तो पहुंचाने के लिए ही बनाया गया है, ताकि
ताकि हम उन विद्यार्थियों की सहायता कर सकें जो विद्यार्थी जो मतलब परेशान हैं, समस्याओं से ग्रसित हैं और किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को ढूंढते हैं कि जो कि उनकी समस्याओं को, उनकी बातों को शासन प्रशासन तक पहुंचा सके, कार्यदायी व्यक्तियों तक तो पहुंचा सके, अधिकारियों कर्मचारियों तक तो पहुंचा सके। और मेरा ये सार्थक प्रयत्न रहा है कि इन प्रयत्नों के माध्यम से ही जीव विज्ञान पीजीटी आदि में बायोकेमिस्ट्री, नैनो बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी इन सभी डिग्रियों को मैं शामिल करा पाया। कंप्यूटर साइंस का मुद्दा जोर जोर शोर से उठाया। प्राथमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में आपको इस बार ये वैकेंसी देखने के लिए भी मिलेगी। और समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र को भी लेकर के हमने बहुत अच्छी मुहिम छेड़ी। तो ये सारे मुद्दे ऐसे थे जो कि ज्वलंत थे, जीवित मुद्दे थे, जीवित नहीं थे। इसमें दो मुद्दे ऐसे थे कि मतलब वो विद्यार्थी ये समझ बैठे थे कि हमने फालतू में ही डिग्री ले ली है, लेकिन अब उनको जो अवसर मिलने चला है वो उनके लिए सरप्राइज है। सरप्राइज इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि मतलब ये आज तक किसी ने उठाया नहीं था इस बात को। ये सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ही है कि जो कि मतलब आप लोगों के लिए प्रयत्न करना शुरू किया और 5-6 महीने के अथक परिश्रम और 5-6 महीने के अथक प्रयास के माध्यम से हम इन सारी चीजों को कर पाने में सक्षम हुए हैं। तो आपका आशीर्वाद हमारे लिए आदरणीय है, आप सभी लोग हमारे लिए आदरणीय है, आप सभी लोग हमारे आराध्य हैं, हमारी शक्ति हैं, हमारी ताकत हैं। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपका आशीर्वाद हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। आप सभी का दिन प्रणाम पूर्वक शुभ।